बेल आइकन इन दिसो यू आर वाचिंग आईसीआईसी बोर्ड हिस्ट्री चैप्टर सेवन ट्रेडर्स टू रूलर क्लास एट इफेक्टिव हिस्ट्री सो लेट इ दीडियो बच्चों ये देख रहे हैं आपका कंप्लीट द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो आपका खाली जगहों में भरना है क्वेश्चन क्या करा है टू डेटरेज साइन बाय द ब्रिटिश एंड द रूलर ऑफ मैसूर हैदर अली एंड टिपू सुल्तान तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर आपका होगा खाली जगह में भरना है तो सही आंसर आपका होगा टेटी ऑफ मैंगलोर टेटी ऑफ श्री रंगपटना तो इसका आंसर इस तरह तो से लिखेंगे आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर प्यारे बच्चों टू नंबर क्वेश्चन है टू स्टेट विच एक्सेप्टेड द दब एलियंस तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर क्या होगा तो सही आंसर होगा हैदराबाद एंड अवध आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं टू तो स्टेट विच वी, वी आर इनैक्सड अंडर द डॉक्टर एंड ऑफ ले तो आंसर इसका क्या होगा तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सतारा एंड संबलपुर क्वेश्चन नंबर फोर की अगर बात कर रहे हैं तो फोर नंबर क्वेश्चन को देखें टू तो ट्रेटी साइन बाय द मराठा एंड द ब्रिटिश सो तो आंसर क्या होगा तो आंसर होगा ट्रेटी ऑफ सलवाई एंड ट्रेटी ऑफ बेसिन तो इस तरह से इसका आंसर को आप लिख सकते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें तो क्वेश्चन नंबर फाइव है टू प्लेसेस नवाब व अवध बाय द दी ऑफ अलाहाबाद तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या लिखेंगे अलाहाबाद एंड कोरा लिखेंगे अरे बच्चों ये तो आप इंग्लिश में देखें इसको हिंदी में आपको समझा देते हैं अरे बच्चों इसका आंसर ये होगा आप देख रहे हैं कि निम्नलिखित को पूरा करें अंग्रेजों और मैसूर के शासकों हैदर अलूर टीपू सुल्तान द्वारा हस्ताक्षरित दो संधि का नाम लिखना है तो वो संधि आपका है मैंगलोर की संधि और श्री की संधि क्वेश्चन नंबर टू को देख रहे हैं दो राज्य जिन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली है तो उसका सही आंसर होगा हैदराबाद और अवध होगा जो आप इंग्लिश में पढ़े थे दोस्तों उसी का हम हिंदी में आपको बता रहे हैं दो राज्य जिन्हें हड़प सिद्धांत के तहत मिला गया था मिला लिया गया था तो वो उसका आंसर क्या है तो सतारा और संबलपुर था और क्वेश्चन नंबर फोर की बात करें आपके बुक में है मराठों और अंग्रेजों द्वारा हस्ताक्षरित दो संधियाँ कौन सी थी तो उसका आंसर होगा दोस्तों सालाबाई की संधि और बेसिन की संधि प्यारे दोस्तों प्यारे बच्चों उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को आपके लिए हम हिंदी और इंग्लिश से आपके साथ शेयर करेंगे क्वेश्चन को आप देख कर इसे लाभ उठो इलाहाबाद की संधि द्वारा अवध के नवाब को दो स्थान सौंपे गए थे वो स्थान क्या था वो स्थान था इलाहाबाद और कोरा अब यहाँ क्वेश्चन कुछ आता है मैच द फॉलोविंग की बुक में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन है कॉलम ए और कॉलम बी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखना है साइट ऑफ ए बैटल इन 1764 सिक्सटी फोर टेटरी ऑफ मैंगलोर और इस तरह से आपके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो इसको आपको मिलान करना है तो इसको मिलान कैसे करेंगे ये रहा आपके पास आंसर को देखें तो कॉलम ए कॉलम बी आपके पास है तो साइट ऑफ ए बैटल इन सेवनटीन का युद्ध कब हुआ था तो बक्सर का हुआ था ये जान रहे हैं तो इस तरह से इसका आंसर को लिखें ये मिला के आपके साथ हम आंसर को बता रहे हैं उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये चलते हैं इसका कुछ हिंदी भी देख लेते हैं तो बच्चों यहाँ पर देख रहे मिलान करने के लिए कह रहा है तो कॉलम ए कॉलम बी है तो सत्रह सौ चौसठ में एक युद्ध का स्थल कौन सा था तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकॉनिक द्वारा हस्ताक्षरित था तो इस तरह से आपका कॉलम ए है कॉलम बी है तो इसको आपको मिलान करना है तो इसको मिलान कैसे करेंगे तो ये रहा आपके पास आंसर कॉलम ए कॉलम बी है सत्रह सौ चौसठ में एक युद्ध स्थल जो था बक्सर मंगलोर की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड मैकाटनी द्वारा हस्ताक्षरित था तो गायकवाड़ बड़ौदा होलकर इंदौर और भोसले नागपुर तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा यहाँ आपके पास है फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन नंबर वन है खाली जगहों को भरना है तो खाली जगह में आप भरेंगे ईस्ट इंडिया और भरेंगे सिराज भरेंगे ये आपके बुक में लिखा हुआ है इसको आप भरेंगे तो ये रहा आपके पास आंसर इस तरह से आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर टू में क्वेश्चन नंबर टू की अगर बात करें तो इसमें से में हम क्या भरेंगे तो यहाँ पर देखें तो क्वेश्चन नंबर टू की बात करते हैं यहाँ पर यहाँ का मिर्जाफ़र भरा जाएगा फ्रॉम मिर्जाफ़र और यहाँ पर आप भरेंगे निजामुद्दीन ये देख रहे हैं मिर्जाफ़र और यहाँ पर नवाब और बंगाल है तो इस तरह से इसको भरेंगे आपके बुक में लिखा हुआ है और क्वेश्चन नंबर तीन की बात करें तो यहाँ पर भी देखें आप भरेंगे क्या अवध भरेंगे और यहाँ पर देखें तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर तीन प्यारे बच्चों कंप्लीट हो जाता है और यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ बाय द टेटी ऑफ लाहौर टू थर्ड ऑफ द सिख तो ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है तो यहाँ पर आप इसी तरह से भरेंगे यहाँ पर आपको लाहौर भरा जाएगा और यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर फाइव में तो फाइव नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए है इसे देख आप अच्छी तरह से भर सकते हैं अब आते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर पर देख रहे हैं आपके पास ये क्वेश्चन कह रहा है वट वेयर द मोटिव इज दैट लीड द ब्रिटिश टू फॉलो द एक्सपेंसिज पॉलिसी इन इंडिया तो प्यारे बच्चों इसका आंसर को लिख लीजिए द ईस्ट इंडिया कंपनी विच कैम टू इंडिया एज ए ट्रेडर इन कॉर्ज ऑफ टाइम द रिलाय दैट इन ऑर्डर टू ऑप टेन मैक्सिमम प्रोफिट फ्रॉम इंडियन ट्रेड इट हैज टू सिक्योर पॉलिटिकल पावर बैक ऑफ बाय फोर्स डो मॉट इट लीड द ब्रिटिश टू फॉलो तो इस तरह से इसका नियम भी क्या दिया था तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं पर कुछ फॉलो करने के लिए नियम दिया था ये आप क्वेश्चन नंबर वन का एक नंबर और दो नंबर को पॉइंट लिख सकते हैं तीन नंबर भी इसका पॉइंट है फोर्थ नंबर भी है तो आप जो चाहे पॉइंट को लिख सकते हैं अब तो ये देख रहे हैं आपके पास क्वेश्चन नंबर टू है तो क्वेश्चन नंबर टू आपके पास ये अवेलेबल है और इसका आंसर आपके पास है तो इसका आंसर को आप अच्छी तरह से लिख सकते हैं द मेथड एडॉप्ट बाय द ब्रिटिश टू एक्सपैंड दियर एम्पायर इन इंडिया वेयर बाय आउट राइट वार बाय द सिस्टम ऑफ सब्सिडी एलियंस बाय अडोप्टिंग द डॉक्टर ऑफ लैब्स ऑन द टेक्स ऑफ एलिगेंट मेरकल तो इस तरह से बच्चों अब क्वेश्चन नंबर टू कंप्लीट हो जाता है आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड पर थर्ड क्वेश्चन में देख रहे हैं व्हाट वेयर द रीजन विच डेड द टू द बैटल ऑफ द पलासी इन सेवनटीन फिफ्टी सेवन तो इसका बैटल का जो रीजन था पलासी का युद्ध का क्या रीजन था वो आपको लिखना है

आइए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर देख रहे प्यारे बच्चों द बैटल ऑफ द पला कैसे वो हार गया पलासी का युद्ध वो कह रहा है आंसर लिखिए बिफोर द बैटल रॉबर्ट क्लाइव द गवर्नर ऑफ द बंगाल वन ओवर सम ऑफ द मेंजुदुल्ला कॉट लाइक हिज कमांडर इन चीफ मिर्जाफर एन खान खिम खान हु कमांडेड द नवाब टॉप ड्यू टू दिस मेजर पार्ट ऑफ द नवाब आर्मी लीड बाई दू डी नॉट टेक पार्ट द फाइटिंग एंड नवाब वॉज डिफेटेड क्वेश्चन नंबर फाइव तो क्वेश्चन नंबर फाइव क्या कह रहा है व्हाट वेयर द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर तो आंसर को लिखना चाहिए प्यारे बच्चों तो आंसर लिखिए फॉलोइंगेर द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बक्सर तो पॉइंट नंबर वन को लिखिए द इंग्लिश पावर इन नॉर्थन इंडिया बिकम अनचैलेंजेबल द न्यू नवाब ऑफ बंगाल द नबाव ऑफ अवध ए सब एलो द मुगल एम्पायर शाह आलम टू दियर पेंशनर और उसके टू पॉइंट को लिखेंगे द ईस्ट इंडिया कंपनी गोट द निजामत फंक्शन आई द मिलिट्री डिफेंसेस एंड अफेयर ऑफ द प्रवांस एंड द राइट टू नोमिनेट दिप्टी शेर दिवान दीवान जो थे तो इसी में आपको पॉइंट टू में भी लिखना है Uh, from Emperor inferior Shah Alam to the company, good divani function, i.e., the right to collect the revenue from Bengal, Bihar, and Odisha for annual payment of uh, 26 lakh to the inferior. Question number six Explain briefly the dual system of government in Bengal. So, answer Robert Clive, the governor of Bengal, introduced uh, the Darjeet or Dual government in Bengal in 1765. This meant the rule of the two the Nawab of the Bengal, the East India Company. The company had the secured the Diwani power and Nizamat function of Bengal. However, Robert Clive felt that it was not possible for he company to shoulder the burden of administration. Therefore, he introduced a dual system of government in Bengal.

क्वेश्चन नंबर सेवन में तो मेंशन द टर्म ऑफ द लॉर्ड वेलेजली सब्सिडी एलियंस एंड द इफेक्ट ऑन द इंडियन रूलर हु एक्सपेक्टेड देम आल्सो स्टेट एडवांटेज इट गेव टू ब्रिटिश शो आंसर इज द टर्म ऑफ लॉर्ड वेलेजली सब्सिडी एलियंस वेयर तो पॉइंट को वन को लिखे हैं कि द रूलर हु साइन इट हैड एक्सेप्टेड द ब्रिटिश एज द सुप्रीम पावर दे हैड टू मेंटेन ब्रिटिश टॉप एट देयर

Child would not have any right to inherit the throne. After the death of the ruler, his kingdom used to be annexed to the British territories. Lakshmi Bhai had to rise against the British because the kingdom of Jhansi was annexed by the British according to the doctrine of Less. After the death of the ruler of the Jhansi, Gangadhar Rao, the claim his adopted son were disgraded by the ब्रिटिश एंड द लक्ष्मी बाई है सेटल से विद द ब्रिटिश प्यारे बच्चों अब यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर स्टडी क्वेश्चन वन है स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन यहाँ पर प्यारे बच्चों जो आप पिक्चर को देख रहे हैं तो आपके पास इसका कह रहा है कि आंसर को दीजिए ये पिक्चर को आप देखें आपको कैसा लगा इस पर सोचकर आप आंसर को लिखेंगे तो ये रहा आपके पास पॉइंट वन विच इवेंट इज शो इन द पिक्चर्स यानी इस पिक्चर में कहाँ की क्या घटना दिया है व्हाट इज द ब्रिटिश गेट फ्रॉम द इवेंट इन द दिक्चर्स वाइट इज द ब्रिटिश गेट फ्रॉम द नवाब बेंगॉल और ये क्वेश्चन नंबर सी है हाउ डिड द ब्रिटिश यूज दिज टू राइट व्हाट वेर द नाव एज द स्टेट एन थ्री ऑफ द दस ये जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर सी तक आपके पास आंसर को लिखने के लिए कहा रहा है पिक्चर में देखे तो उसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर का द इवेंट विज द शो इन द द पिक्चर्स इज दिक्कत ऑफ द दीवानी टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द मुगल इंपायर शाह आलम टू ये क्या है शाह आलम टू का ये दृश्य को दिखाई दे रहा था और क्वेश्चन नंबर बी की आंसर लिखेंगे द ब्रिटिश गोर दीवानी फंक्शन आई इज द राइट कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम द बेंगोल बिहार एंड उड़ीसा फॉर एन एनुअल पेमेंट ऑफ द ट्वेंटी फ्रॉम द नवाब बेंगाल टू द गोड द निजामत फंक्सन द मिलेटरी डिफेंस द फॉरन एफेयर्स ऑफ द बंगाल इन द राइट टू द नॉमिनेट द डिप्टी सबसे सुबेदार एंड दिवान और क्वेश्चन नंबर सी का आंसर हम लिखेंगे तो द ब्रिटिश यूज द रट टू कंट्रोल द रिवेन्यू मिलेट्री डिफेंस एंड फॉरन एफेयर्स ऑफ द प्रोवेंस दूज द एक्सप्लाइट द पीपल बाय द टैक्सिंग दैम हैवली एंड मैक्स बार प्रोफिटेड बाई अरे बच्चों आज का क्लास आप देखिए कैसा रहा अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें न्यू न्यू अपडेट पाने के लिए मिलते हैं प्यारे बच्चों न्यू क्लास में न्यू अपडेट के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो